जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा। तुला राशि के लोगों के लिए अक्टूबर माह का ये दूसरा सप्ताह क्या खास लेकर आया है। इस सप्ताह की शुरुआत माँ दुर्गा के आशीर्वाद के साथ हो रही है और ग्रह नक्षत्रों में भी फेरबदल की वजह से इन राशि वाले जातकों पर बड़ा ही शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, तुला राशि की बात करें तो इस राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र ग्रह है, जो इस सप्ताह आपको धन, पद, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य प्रदान करेंगे। व्यवसाय में कोई बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं, तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, आत्मबल को बनाए रखें। जो लेखन और पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए इस समय बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। जो बैंकिंग और मेडिकल के जातक हैं वो सफलता की प्राप्ति करेंगे। उनके लिए कोई अलग से कोई खुशखबरी उनको मिल सकती है, आय में वृद्धि हो सकती है, बोनस मिल सकता है या ऐसी ही कोई खबर सुनने को मिल सकती है। अविवाहित लोगों के मांगलिक कार्य में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी। दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता बनी रहेगी। प्रेम संबंध में भी मानसिक चिंता से मुक्ति आपको मिल सकती है। इस समय आप अपने सभी कार्यों को बड़ी ही सावधानी से पूरा कर पाएंगे। ये सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए बदलाव का वक्त है। ये सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव करना आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापारी भी अपने कार्यों को बदल सकते हैं। इस सप्ताह ना चाहते हुए भी कोई बड़े फैसला आपको लेना पड़ सकता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस सप्ताह लोगों के साथ बातचीत में अपना व्यवहार संतुलित करके रखें। क्रोध और वाणी दोनों पर संयम रखें। पारिवारिक और निजी संबंधों में पारदर्शिता रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस सप्ताह मन में उत्साह बना रहेगा। किसी एक कार्य विशेष के पूरा होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साथ ही अनावश्यक खर्चों से बचना है। हालांकि ये महीना खर्चों का ही महीना है, लेकिन उसके बावजूद आपको अनावश्यक खर्चों से जरूर बचना है। बचत की तरफ ध्यान रखें। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। उनके विवाह की इस समय बात बन सकती है और आपको लाभ भी होगा। थोड़ी सी सावधानी भी रखनी होगी। इस समय आप चावल और चीनी का दान करें तो आपके लिए ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। बहुत अच्छा ये समय आपके लिए रहेगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।